भारत में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले दिन के मुकाबले संक्रमितों की संख्या में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मरीज मिले हैं, वहीं 819 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 65,288 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 36,91,167 हो गई है। देश में अभी 7,85,996 सक्रिय मरीज हैं, वहीं इलाज के बाद 28,39,883 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर बीते रविवार को सीएम खट्टर का दोबारा टेस्ट किया गया था, एक बार फिर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी उन्हें अभी कुछ और दिन मेदांता अस्पताल में रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री खट्टर को कोरोना संक्रमण के चलते 10 दिन पहले गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था। उनकी उम्र को देखते हुए उनको 25 अगस्त की सुबह 2:30 बजे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो डायबिटीज के मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में एक 36 वर्षीय युवा डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। वे यूपी के देवरिया स्थित कोविड-19 अस्पताल के प्रभारी थे। प्रभारी का उपचार गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। उपचार के दौरान सोमवार की सुबह देवरिया के कोविड-19 अस्पताल के प्रभारी की मौत हो गई। उनके निधन पर डॉक्टरों ने गहरा शोक प्रकट किया है, वहीं सरकार से व्यापक सुरक्षा की मांग भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष टीम भेजी जाएगी। केंद्र की ओर से भेजी जा रही हर टीम में कई विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, साथ ही इनमें महामारी और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी जाएंगे। आपको बता दें कि इन राज्यों में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वक्त में हर रोज 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। अभी इन राज्यों में यूपी में ही सबसे अधिक एक्टिव केस है। यूपी के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों का नंबर आता है। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं भी सभी आमजन पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि पिछले दिनों मेरे संपर्क में जो भी आए हैं वे कृपया अपना टेस्ट करवा लें।